जय हिंद प्यारे साथियों, लेट्स फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 45% 135 हो तो संख्या क्या हो? क्योंकि संख्या कोई भी संख्या 100% होती है, तब 45% 45% बराबर 135। 45 दिया, 1% बराबर 3 के, और 100% दो जीरो बढ़ाने पर 100% बराबर 300। राइट आंसर 300, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य संख्या ऐसा संख्या मीन्स प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो एक को छोड़कर किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती। एक से डिवाइड हो सकती है, अन्य किसी से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या अभाज्य होगी, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या। यदि 177 की बात की जाए, 177, 177 डिविजिबल, अगर देखा जाए एक से कटेगा नहीं कटेगा, दो से तीन, तीन यदि तीन से चेक करें, तीन पंजे 15, तीन नम 27 कट गया, तो ये नंबर नहीं होगा। 169 13 का वर्ग है, अगर 13 का वर्ग है तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं 187 की, 187 अगर 187 की बात की जाए तो डिविजिबल बाय 11, 11 से डिवाइड है, 11 तरह बार कटता है, तो ये भी नहीं होगा। यदि 173 नंबर किसी से नहीं कटता है, जब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा एक को छोड़कर, अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, तब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 173 राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या को 195 से विभाजित करने पर शेषफल 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? जब यदि 195 से भाग दिया जाए तो 47 बचता है, 15 से भाग 15 से विभाजित करने पर, तब ऐसे नंबर के शेष को जो शेष होगा उसे ही नए नंबर से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि 195 जो 15 है, 195 का एक गुणनखंड है, 15 ती 45, तीन बार पाड़ा चला, 15 ती 45, शेष कितना बचा? शेष बचा 2, और राइट आंसर 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52, 58, 78 और 156 का HCF मीन्स मैसे ज्ञात करना है। मैसे ज्ञात करने के लिए हमें 52, 78 और 156 में से ऐसा नंबर, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो सबको पूर्ण रूप से विभक्त करे, बड़े से बड़ा, तब कैसे करें? 52 से डिवाइड करते हैं 78, एक बार बाढ़ा चला, 52 एकम 52, 6 9, 26 दोनी 52, 26 से कटा, 26 से 156 को डिवाइड करते हैं 156 को, कितनी बार? 25 छक्की, यदि 6 बार चलाया जाए तो दोनी 12, 25 छक्की, 6 बार यदि चलाया जाए 6 × 36 तो दोनी 12 और 3 15, 26 से 52 भी कटता है, 26 से 78 भी कटता है, और 26 से 156 भी कटता है, तब में से 26 होगा राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कप का एक सेट 720 रुपए में बेचा गया, कप का एक सेट 720 रुपए में बेचा गया तो 20% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सेट का नया मूल्य पूछा है, नया मूल्य, न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, नया विक्रय, नया विक्रय, नया विक्रय निकालने के लिए पहले नंबर का विक्रय 720 डिवाइड बाई 20 की हानि हुई थी, जब हानि हुई थी क्योंकि हानि है इतना बचा 100 से 80 बचा, मल्टीप्लाई निकालना क्या है, लाभ निकालना है 110। सरल करते हैं, 8 नम 72, 11 नमी 99, 990 रुपया। राइट आंसर 990 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गांव में 4000 पुरुष, एक गांव में 4000 पुरुष और 8000 महिलाएं हैं, जिनमें 30% पुरुष साक्षर है और कुल जनसंख्या का 40% निरक्षर है, तो महिला जनसंख्या का कितने परसेंट साक्षर है। साक्षर मीन्स पढ़े लिखे हैं, क्योंकि दिया है 30% पुरुष साक्षर है और कुल जनसंख्या का 40% निरक्षर है। कुल 4000 और 8000 12000, क्योंकि कुल जनसंख्या कितनी है 12000, तब हमें साक्षर निकालने हैं तो साक्षर से ही चलेंगे। साक्षर 4000 और 8000 12000, 12000 में निरक्षर यदि 40% है तब साक्षर कितने बचे 60%, 60/100, 1, 2, 12, 6, 72, 7200 साक्षर है, दोनों है मेल एंड फीमेल। तब इनमें से 4000 पुरुषों में 30% पुरुष साक्षर है, तब यदि पुरुष की बात की जाए, पुरुष 4000 30 और बटे 100, 4 × 3 = 12, 1200। अब स्त्री, साक्षर स्त्री, महिलाएं 0, 0, 0 और 6। परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज 6000 किसका, महिलाओं की संख्या का कितने परसेंट साक्षर है। टोटल महिलाएं 8000 है, 6000 साक्षर है और गुण है 100%, 2 0 तीसरी 0 8×7 = 56 और 8×5 = 40, 75%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांच परसेंट प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 24000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, क्योंकि रेट 5% का है। अगर रेट 5% का है, पहले वर्ष 5, दूसरे वर्ष 5, 24000, 24×5 = 120, 1200, दूसरे वर्ष भी 1200 = 2400, पहले पर क्रॉस लगाने पर फिर 12×5 = 60, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगना है जब यहां पर ब्याज लगाएंगे,
आठ एड करने पर 2460 रुपया, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के समान है, दो वस्तुओं की लागत कितनी हो सकती है क्योंकि छूट बराबर है। यदि बात की जाए छूट बराबर है पहली पर 15%, यदि इसका हम 15% निकाले 85 × 15 और डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई करें 5 × 75 15 × 120 दो के बाद 12 रुपए 70 पैसे और 65 का निकाले 65 × 20/100 20 × 100 और ये 13 बराबर नहीं है तब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगी। ऑप्शन बी की बात करें 70 × 15/0.00 और 15 × 7 = 105 10.5 और 50 से देखते हैं 50 × 20/100 10 बराबर नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पर 80 × 15/100 0.15 × 120 12 यहां से 70 से देखते हैं 70 × दूसरी छूट 20 की है 20/100 14 यहां से वैल्यू बराबर नहीं आई तब सी भी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। यदि डी की बात करें 80 का 15% 80 × 15/100 20 × 80 20 × 100 और 5 × 15 और 4 × 12 यहां से वैल्यू कितनी आई, छूट कितने की आई 12 की आई। और यदि 60 से देखें 60 × 20/100 0 0 और 6 × 12 क्योंकि दिया है 15% की छूट 20% की छूट के समान है, तब वस्तुओं की लागत कितनी हो सकती है। हो सकती है मींस पहले की वैल्यू यदि 80 हो और दूसरे की 60 हो तो वैल्यू में छूट बराबर है, तब राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य पर 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 रुपये हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। हमने कहा 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य X था। प्रत्येक वर्ष कमी हुई है 10 की, 100 से कमी हुई 90/100 और 90/100 बराबर अंतिम मूल्य 729। 1, 2, 3, 2 और 1, 3 9 × 8 = 9, 9 × 81 = 89 ये 3 0 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तब एक्स बराबर 1000। अब 3 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य 1000 था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष वह 18,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी हो। मासिक आय पूछी है महीने की और बचत वार्षिक दी है।
आय कमाता कितना है? 11 रुपया। खर्चा कितना करता है? 10 का। तब बचत कितनी होगी? बचत होगी 1 की, और 1 बराबर 18,000। 1 बराबर 18,000। तब आय कितनी होगी? आय होगी, चूंकि कमाता कितने है? 11 से। तब 11 बराबर 18,000 गुणा 11। क्योंकि आय मासिक पूछी है, मासिक मीन्स एक महीने की, डिवाइड बाई 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 20 गुणा 11 और बराबर 005 और 16,500 रुपया, राइट ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक शर्ट बेचते समय 7% की छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 30 रुपए कम मिलते हैं। लाभ के रूप में 30 रुपए कम मिलते हैं। शर्ट का अंकित मूल्य क्या है? क्योंकि एक दुकानदार जब शर्ट बेचता है तो 60% छूट देता है, और यदि उसने 9% छूट दी होती, 7% छूट देता था, फिर 2% देने लगा, मीन्स 2% कम में बेचता है। कितने कम में बेचता है? 9% माइनस 7% बराबर 2%। और ये जो 2% कम लाभ प्राप्त करता है, ये बराबर 30 के बराबर, 30 रुपए के बराबर है। 1% बराबर 15 के, और 100% बराबर 20 बढ़ाने पर 1500। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1500 रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु 20% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान पर 30% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि निर्माता ने वस्तु को 2240 रुपए में नगद देकर खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? वस्तु का अंकित मूल्य, तब क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य हमने माना कि x है। अंकित मूल्य कितना है? x, या फिर 100%। अंकित मूल्य कितना है? 100% है। तब छूट कितनी है? पहली 20 की, मीन्स 80% का। दूसरी छूट 30 की है, 70% बराबर 2240। 1% हटाने पर गुना 100 बनेगा, 1 2 दोनों 0, 8 से काटते हैं, 7% बराबर 8 2 16 64, 7 से फिर से काटते हैं, 1% बराबर 7 4 28, और 100% बराबर 4,000। राइट आंसर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 4,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10,000 रुपए की एक राशि आंशिक रूप से 9% और 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की गणना का औसतन 9.2% हो तो दो भाग, यानी कि दोनों भाग बताने हैं, कौन कौन से हो। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे, क्योंकि पहला हिस्सा 9% और दूसरा हिस्सा
10% और इसकी जो सेपरेट औसत 9.2 रेशियो बनाएंगे, 10 से 9.8 को घटाया 0.8 और 9 से 9.2 को घटाया 0.2, पॉइंट से पॉइंट हटाने पर टोटल हिस्से कितने हो गए 8 और 2 10, वैल्यू कितनी है 10,000, 10,000 से 10 छोड़ दे तो 1,000, मीन्स 1,000 से मल्टीप्लाई यहां पर, 1,000 से यहां पर पहली वैल्यू 8,000 और दूसरी वैल्यू 2,000, तो दोनों धन, एक 8,000 का धन है दूसरा 2,000 का धन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहत्तर 32 का माध्य समान अनुपात ज्ञात करना, माध्य समान अनुपात ज्ञात करना है, मीन्स माध्य ज्ञात, माध्य मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका 72 गुणे 32, फैक्टराइज करने पर 8 चौक 32, 4 गुणे 8, 8 चौक 32 और 9 8 8 गुणे 9 72। ये एक पेयर, ये दो का पेयर, ये तीन का पेयर, मीन्स 2 गुणे 8 गुणे 3, 8 या 24 और 24 तिया 8 दूनी 16 और 16 3 48। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य अनुपात क्या होगा 48 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक काम को 20 दिन में, एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिनों में कर सकता है। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता मिलती है, उन्हें पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। ए बी और सी, ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। एलसीएम 60 बना 20 30 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। इसने कहा हर तीसरे दिन बी और सी में, यदि बात की जाए पहले दिन ए, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस में, ए का कितने दिन का काम 1 2 3, ए का 3 दिन का काम 3 3 9 और बी और सी का 1 1 दिन का काम ए प्लस बी, ए का 3 दिन प्लस बी और प्लस सी, 9 और 2 11 12। काम 60 करने हैं, 60 को 12 से डिवाइड, 12 5 60, क्योंकि मल्टीप्लाई ये 3 3 दिनों का काम, मल्टीप्लाई 3 = 15 दिन। अब उनके द्वारा कार्य मिलकर पूरा कार्य करने में लगा समय 15 दिन और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पचास सेबों का क्रय मूल्य 40 सेबों के विक्रय मूल्य के समान है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। 50 सेब का करे, यानी कि 50 का करे बराबर होगा 40 के विक्रय के, जो वैल्यू जिसके सामने उसी की ओर, में करे 40 और विक्रय 50,
यदि करे 40 और विक्रय 50, अब लाभ कितने का हुआ? लाभ लाभ हुआ है 10 का। अब लाभ लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे करे मूल्य, करे 40 और गुणे 100%। 10 चार से काटते हैं, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20। अब लाभ कितना होगा? 25% का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार 1080 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, कार की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? गति में चाल, तब चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 1080 बटे समय 4 घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें मीटर बनाने हैं, मीटर होते हैं 5 × 5 और बटे 18, तब 18 × 6 = 108, 4 से काटते हैं 15 × 5 = 75, 75 मीटर प्रति सेकेंड। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 26 और 10 सेंटीमीटर है, इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थियों को करना है और कमेंट में इसका आंसर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, घंटे के आइकन को दबाना न भूले। जय हिंद प्यारे साथी।